देवी पीटे छाती विधना कर्म लिख कही भांति माती मस्तक ली पर भौरा लेत बहा फूल कभी माला कभी सूख जाला और कभी लक्ष्मी कहाती है बेटी जन्म लेकर पराया कहाती विदाई में आंसू बहाती है बेटी कुल की मर्यादा को ऊंचे उठाती कभी बोझी नवरिया डुभाती है बेटी माता पिता की उजड़ जाती बस्ती पे गौरव का हार पहनाती है बेटिया। सुनने वाले दोस्त, बेटी बहुत वफादार होती है। संसार में लड़की के मुकाबले वफादार कोई नहीं होता। आज का जमाना, आज का युग बहुत बिगड़ चुका बा। लड़की वाले को लोग अछूत मानते हैं। हमने खुदा से एक प्रार्थना किया है कि ए खुदा, आज के जमाने में लड़की जिसको दो उसको दौलत दो, और ना दो तो लड़का पैदा करो। बाबूजी का तो वफादारी की जहां तक बात बा, बेटी बेचारी पराए कथनवा थोड़े दिन कन मान हो, बेटी बेचारी पराए बाबूजी, खुदा से हमने अरदास किया कि बेटी जो देना तो दौलत भी देना, बेटी जो देना तो दौलत भी देना, हर जी आई भगवान हो, बेटी जो देना तो दौलत जरा से देखें फूलन देवी की बात। तो फूलन देवी की स्थिति कैसे बिगड़ी जरा आप देखें। मजबूरी से बिगड़ी, गरीबी से बिगड़ी। फूलन के माता पिता की रही गिरानी थी, जिला उन्नाव गढ़पुरवा की ये कहानी थी। तीन थे लड़की और एक थे संतान रहे, कोई कमाई नहीं खर्च से हैरान रहे। एक की शादी किया फूलन की बारी आई, दुआ लड़के से वो जाके किया सगाई, दुआ लड़के से वो जाके किया सगाई, दुआ लड़के से वो जाके किया सगाई। दुआ लड़के से दहेज की वजह से, पैसा की कमी से दुआह लड़के से शादी किया। उम्र रही लड़के के 35 साल, अब फूलन की 10 साल। कुजोड़ की शादी होता, जोड़ की शादी नहीं हो रही है। तो फूलन की 10 साल बारी उमरिया, लेकिन भाभी बड़ी बलवान हो, फूलन की 10 साल बारी उमरिया, भाभी बड़ी बलवान हो। Thank you.
शादी हो गई। शादी में ये वादा हुआ कि ठीक है, लड़की अभी 10 साल की है, 35 साल का लड़का है, 3 साल बाद इस लड़की का गौना होगा, ये शर्त हुआ। तो 3 साल वादा भवा होई के गवनवा, लेकिन 3 माह में आवता संदेह, 3 माह में आवता संदेह। हमारा सुदिनवा धराई लेहा बाबा, माई के हमारे कलेश बा, माई के हमारे कले। कुट्टीलाल ने संदेश दिया अपने ससुर के पास कि 3 महीना बाद कि हमार सुदिन धराइल बाबा, हमारे अकेले माँ है, बीमार है माँ। तो गरीबे के पंचायत सब करत ही बड़े भैया, पूरा गांव कहे ठीक बा, विदा कह दे, जैसे लड़की की तरह यह बा वैसे लड़की की तरह वहां भी रहेगी। तो बाबू साहब एक ही तर्ज आएगे कि मेरे अंगने में जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, बाबू साहब यही तर्ज में फूलन के विदाई होता बहुत कम उम्र में। बाबूजी विदा भई लड़की, विदा भई फूलन, चली जब ससुरार थी, फूलन थी फूल नहीं कली कचनार थी, फूलन थी फूल नहीं कली कचनार थी, फूलन थी फूल नहीं कली कचनार थी, फूलन थी फूल नहीं। गाने का भाव देखें कि फूलन थी फूल नहीं कली कचनार थी, गौने काबिल लड़की नहीं थी। पुतिलाल फूलन संग गईली भवनवा, पुतिलाल फूलन संग गईली भवनवा, पुतिलाल फूलन संग गईली भवनवा, घर बार सब कुछ बताए समनवा, घर बार सब कुछ बताए समनवा, घर बार सब कुछ बताए समनवा। फूलन साथ में पुत्तीलाल के गई, पुत्तीलाल बताए रहे हैं कि फला जगह आटा चावल दाल सब कुछ रखा बा, अपने आप को सब अपने घर की बातें समझा रहे हैं। तो बाबू साहब तो माता का सेवा करे, सासू का सेवा करे, सासू जी बीमार थी, फूलन थी फूल नहीं कली कचनार थे, फूलन फूल नहीं कली कचनार थे, बड़े भैया फूलन देवी सेवा करता, लेकिन संजोग देखिए माँ मर जाती है, मरी गईली माई तो बच गई अकेला, मर गईली माई तो बच गई अकेला, मर गईली माई तो बच गई अकेला, फूलन या पुत्ती के सर पे छमेला, फूलन या पुत्ती के सर पे सारी जिम्मेदारी फूलन के ऊपर आ गई। पुत्तीलाल की मां मर गई, पुत्तीलाल की मां मर गई तो ससुर आए, काम में आए ससुर, बोले भैया इनको विदा कर दीजिए। तो पुत्तीलाल कहे बाबा अब तो हम अकेले रह गए, हमारा घर द्वार के देखे, अब आप जाएं, इनके जिम्मेदारी पूरे घर पर है। तो बाबूजी फूलन को पुत्तीलाल बड़े बेरहम नजर से देखने लगा, जिस तरह से देखने लगा कि उसकी पुरानी औरत है, भूल गया अपना वादा। पाकर के पापी ओ जबरी सताया, पाकर के पापी ओ जबरी सताया, पाकर के पापी
पुजाया, न सार फूलन माई के द्वार थी, फूलन भी फूल नहीं कली कचनार थे, फूलन में फूल कली कचनार थे, फूलन में फूल नहीं। सुनने वाले दोस्त, फूलन देवी के साथ उसने गलत व्यवहार किया, अपने वादा को भूल गया, एक ही तर्ज फिर पलट गया। रात में 12 बजे रात में फूलन देवी बिना बताए किसी तरह से अपने मायके को जा रही है, तो तर्जवा का फिर बदल गया। माँ पूछता, क्या बेटी आप कैसे चली आए, बहुत क्या बात है बोलो ना। फूलन ने कहा, माँ कैसे बताई। तर्जवा का बाल, अरे लागा लागा लहंगा में दाग हम छोड़ाई कई थे, लागा लहंगा में दाग हम छोड़ाई कई थे, लागा लहंगा में दाग हम छोड़ाई कई थे, लागा लहंगा में दाग। फूलन देवी कहत का बात यही तर्ज में यही बोल में, रोए फूलन देवी माँ बताई कैसे, अरे लगा अचरा में दाग हम छोड़ाई कैसे, लगा अचरा में दाग हम छोड़ाई कैसे, पतिया अपने माई से बताई, सुनतई खबरिया माई बपई घबराई, माँ बाप घबराने लगे। जब सारी घटना बताया तो माई बाप घबराने लगे, तो इतने में पुतीलाल पाछे लागो जरार हो चला आए, आए पुतीलाल भाई जुदाई उनसे, लगा अचरा में दाग हम छोड़ाई कई थे, लगा अचरा में दाग हम छोड़ाई कई थे, लगा अचरा में दाग हम छोड़ाई कई थे, लगा अचरा में वाले दोस्त, पुत्ती लालायन फूलन के पिता बिगड़ गए, कहा क्यों गद्दार, तुमने जो वादा किया था वादा के विपरीत हमारे लड़की के साथ पेश आया। उसने कहा ठीक है, आप अपना देखो मैं अपना देखूंगा, आप मेरा जेवरात दे दो हम अपने जाए आप अपने। लइके जेवरात पुत्ती तब गए भवनवा, अपने घरे दूसर एक ठे लैया रे जनानवा, रोए फूलन देवी दुख बताई कैसे, लगा अचरा में दाग हम छोड़ाई कैसे, लगा अचरा में दाग हम छोड़ाई कैसे, लगा अचरा में दाग हम छोड़ाई कैसे, लगा अचरा में दाग। वाले दोस्त चला गया उधर। अब इधर फूलन देवी जब और कुछ जवान हुई, 2-3 साल और बिता, उम्र 14-15 साल को हो गई, तो देख देख लवंडा बोली बोले लागे, कहे का हो फूलन का हाल बा, अब अरे मेरे मेहरारू गांव भरे के सड़ुआइन होती बड़े भैया, बड़े चक्कर में पड़ी। तो सब लड़की पूछता हमार गुजर कैसे हुए, हमार बियाह कैसे हुए। तो माँ बाप सोचने लगे कि इसकी बियाह कर देना चाहिए। फूलन ने कहा, ना हम बियाह न करब,
हमार बिया भव आटे तो बाबू जखी तर्ज आई गे आए तर्ज का आई गे आए हरनी बिया के डरिया मैया पारल झुलुआ हो के झूली हो झूलीना हो के झूली हो झूलीना सात बहनी झूल झूलना हो के झूली हो झूलीना सात बहनी झूल झूलना हो के झूली हो झूलीना सात बहनी झूल झूलना हो के झूली हो झूलीना या के दरिया मैया नारा लगा लुबावा हो की दर्ज में बड़े भैया फूलन देवी के लोग बोली बोलत हैं का चंदा के सूरतिया बेलाया लाए गतिया हो की झूलिया हो की रोई हो रोई ना फूलन देवी पीटे छतिया हो की रोई हो रोई ना साहब लड़की सोचने लगी कि आज मेरी ये पोजीशन कैसे हुई उसने बुनियाद का पता लगाने लगी तो बाबूजी का तो देखत काबा कि गरीबी मजबूरी और सिधाई के फायदा उसके बड़े दादा ने ले लिया का माता दीन देवी दीन सगे भाई को किया बंटवारा नहीं भाई के कमाई को खेत दो बीघा देवी दीन ने अलगाया है बाकी जमीन पे कब जाया पन जमाया है। फूलन ने कहा फिर से पंचायत होगी कहा कि फूलन देवी फिर से बंटवारा होई बाकी जमीन पे कब जाया पन जमाया है कहा कि फूलन देवी फिर से बंटवारा होई डर गए माता दीन अब न गुजारा होई डर गए माता दीन अब न गुजारा होई डर गए माता दीन अब न गुजारा होई माता दीन बड़े दादा डरने लगी अब गुजारा नहीं होगा। इसी पीरियड में लड़की करती क्या है उसी गांव का एक डाकू था उसका नाम था कैलाश। कैलाश से उसने शादी कर लिया। जब कैलाश से शादी कर लिया बंटवारा की पंचायत में उसने कहा कि बाबूजी हमारा हिस्सा आधा दे दीजिए वरना इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा। तब क्या किया बाबू साहब हुई जलन फूलन से माता दीन की चाल नहीं रहा कैलाश घरे पर झूठा रचा बवाल। झूठा बवाल रचा गया। झूठा बवाल का रचा गया बाबू साहेब अरे माता दीन रपट लिखाए काल पिथाने हमारे बाबूजी और चले पुलिस हाथ करिया लाइना माने हमारे बाबूजी चले पुलिस हाथ करिया लाइना माने हमारे बाबूजी चले पुलिस हाथ करिया लाइना माने हमारे बाबूजी चले पुलिस हाथ करिया लाइना माने झूठी केस लिखाया। आई पुलिस फूलन के घर करईन कवारी और जबरी से समान माता दीन ने पुआरी
अरे माल भबरामद दुनिया जाने हमारे बाबूजी, और चले पुलिस हाथ करिया लाइना माने हमारे जबरी पुलिस लई गए थाने के भीतरिया, अब बंद कई के कोठरी में दिया दुख हरिया। कालपी थाने में ले गए बंद करके 20 सिपाही एक रात में एक साथ बलात्कार किया फूलन के साथ में, लेकिन आह नहीं किया बाबूजी। हो तभी न सार गैली चलान हो गए, हो तभी न सार गैली जेल के भीतरिया, अब यहर बपई गैले रामा ठाकुर के बखारिया। यहर बपई गैले रामा ठाकुर के बखारिया, यहर बपई गैले रामा ठाकुर के ठाकुर के यहां जाकर के फूलन के पिता देवी दीन ने कहा, बाबूजी हमारी लड़की को जबरदस्ती हमारे भाई साहब ने फंसा दिया है, चल के जमानत ले लीजिए, चल के जमानत लड़की के ले लीजिए। तो बाबूजी लड़की के अरदास कौन सुनने वाला था, ठाकुर के यहां दो ठेलावंडा थे, उन्होंने कहा कि ठीक बा देवी दीन, तोहरे लड़की के जमानत तो ले ले, लेकिन लड़की जब तक केस चले तब तक लड़की हमारे यहाँ काम करे। यहीं पर तर्ज आई थे, आए तर्जवा आई गए एक ठीक पतो मचाने पर से ऊपरी चढ़ उतारत कहीं बोलत काबा कि मावा हमार करहिया चमक गए। कैसे गावता कि ऊपर चढ़त मोरी मूर्ति कलैया, ऊपर चढ़त मोरी मूर्ति कलैया, ऊपर चढ़त मोरी मूर्ति कलैया। उतरत की बेरी करी हैया गजब दुख तो लाए हारे, यही तर्ज में ठाकुर के घराने के लड़के फूलन देवी से कहत कहा है, हाय चमके चदनिया पे दमके दमनिया, जुलुम जबनिया गजब होई कैले हारी, क्या किया जमानत
होके जब घर आई तो दिन भर ते अपन काम करवाई और समझा कि ठाकुर के लड़का गोड़ में जवाई और गोड़ में जवाई तो तब क्या करें बाबूजी आप समझे। आई तारीख फूलन गई कचहरिया, आई तारीख फूलन गई कचहरिया, आई तारीख फूलन गई कचहरिया, छूटी गई बेदाग मुक्ति पाई गई बखरिया, छूटी गई बेदाग मुक्ति पाई गई बखरिया, छूटी गई बेदाग मुक्ति पाई गई बखरिया। अखिया से पानिया गजब होई गईले हरी, आंख से पानी नहीं बहता बेचारी के, इतना सताई गई। इतने में कैलाश कहीं गया था, वो लौट के जब घर आया फूलन देवी में एक खासियत थी, को झूठ नहीं बोलती थी। आई आई गई भवनवा कैलाश गवाया, आई आई गई भवनवा कैलाश गवाया, आई आई गई भवनवा कैलाश गवाया, रोई रोई बिपतिया पिया से बताई, रोई रोई बिपतिया तो पिया से बताई, रोई रोई बिपतिया तो पिया से बताई, कहे वीर था मोरी जवानिया गजब होई गईले हारी, वीर था मोरी जवानिया गजब होई गईले हारी, वीर था मोरी जवानिया गजब होई गईले हारी। जब इतनी बात कहा तब कैलाश समझा कि ये लड़की रखने काबिल नहीं है, अब इसको हम नहीं रखेंगे। तब बड़ा मामला पेचीदा फंसा, सोचने लगी फूलन तो हम तो इनसे सही बोल रहे हैं लेकिन फूलन के साथ कैलाश धोखा कर रहा है। वाह एक ही तर्ज आएगा बाबूजी, फिर तर्जवा का बात छाझर बाजे गुगुरु बाजे औ बाजे करता रहे, नौसई जोगिया मंगल गावई माई के दरबार हे, नौसई जोगिया मंगल गावई माई के दरबार हे, नौसई जोगिया मंगल गावई माई के दरबार हे, नौसई जोगिया मंगल गावई। यही तर्जमे फूलन देवी के कैलाश लेके चल दिया। जब पहुंच गया चलते चलते बिहड़ों में जब पहुंचा तो बाबू गुजर के पास पहुंचा। बाबू गुजर से कहा बाबूजी हम आपके लिए एक सौदा ले आए हैं, एक लड़की ले आए हैं, जंगलों में लड़की कहाँ पावे डाकू लोग। जब फूलन के देखा गुजर तो कजनी कैसन कैसन ऐसन ऐसन मन मचलायला। तो बाबूजी तर्जवाया का बात, पापी भंवरवा मारे नजरवा औ बाबू गुजर सरदार है, मान सिंह यादव टोली बनाए कोई से करे शिकार है, मान सिंह यादव टोली बनाए कोई से करे शिकार है, मान सिंह यादव टोली बनाए कोई से करे शिकार है, मान सिंह यादव टोली बनाए। आए अरे बाबू गुजर सरदार हे, मान सिंह यादव टोली बनाए गोली से कर शिकार हे, मान सिंह यादव टोली बनाए गोली से कर शिकार हे, मान सिंह यादव टोली बनाए। बाबू साहब तो गेंग रही गुजर की बड़ी भारी, जाति पात की ना ही चिन्हारी, विजय सिंह बलवान गड़रिया हाँ प्रमुख राम अवतार है, मान सिंह यादव टोली बनाए गोली से कर शिकार है, मान सिंह यादव टोली बनाए गोली से कर शिकार है, मान सिंह यादव टोली बनाए गोली से कर शिकार है, मान सिंह यादव टोली बनाए। तो बाबूजी एक ठीक तर्ज यही पर और आई गए, जब बड़ी बड़ी आंख देखा डाकू का फूलन तब डरने लगी, अपने पति से कहती है का तजवा का कि गवना करौले हरी जी
अरे अपने विदेश गईले हो छाई कौना करौ लए हरी जी कहा बाबूजी कहाँ लिए उलाए सजना अरे अपनी सने ही दिखले हो छोड़ा कहा लिए उलाए सजना कवन कसूरवा भयल हो सजनवा घर दुआर छोड़ाई के ले उले बिया बनवा अरे अरे काहे बदे कैले तू गुमनवाए जना अरे अपनी सने ही दिहले हो बुलाए कहवा लिए उले सजना फूलन ने कहा बाबूजी कहां ले चल रहे हैं। तब बाबू गुजर एकदम फूलन पर हावी हो गया। कैलाश ने सौंप दिया बाबू गुजर के पास। तो बाबू साहब तर जाए गए कि हम मर जाए तो हार क्रिया। यही तर्ज में फूलन देवी कह रही है सरदार से कि बाबूजी आप हमसे प्यार करें जरूर, पर मेरी एक शर्त बा। कहे का? कहे शर्त ही बा, हमहू के निशाना सिखाओ। तर्जवा का बा? फूलन कहत का बा? कैले ते हमरा से प्यार बबुआ, हम तो तोहार तू हमार बबुआ। कैले ते हमरा से प्यार बबुआ, गुजर से कहा बाबूजी आप तो सारा मौज पानी हमसे ले ही रहे हैं, लेकिन हमको भी निशानेबाज बनाइए। कहा ठीक है बेटी, तुम निशानेबाज बनो। तो ले गई निशाना सीखने के लिए। जब कहा तो बाबू गुजर दो सिपाहियों को दिया, बोला ले जाओ निशाना सिखाओ। तो जब जंगलों में ले गए निशाना सिखाने, तो पूछा फूलन कि तुम कौन जात हो। फूलन ने कहा मैं जात की मल्लाही हूं बाबू। तो पूछा आप कौन जात हैं। तो निशानेबाज सिपाही बोला मैं जात का मल्ला हूँ, मेरा नाम विक्रम है। तो कहा आप हमसे शादी कैले, कहा शादी आपसे करब, लेकिन बड़का सरदार के पहले मारा। तब पहले तुम्हारा ना बड़का सरदार हवा, पहले तुम्हारा ना बड़का सरदार हवा, पहले तुम्हारा ना बड़का सरदार हवा, फिर आके लूटन मितवा लहरवा, अरे मार देते बड़का सरदार पियावा, हम तो तोहार तू हमार पियावा, मार देते बड़का सरदार पियावा, मार देते बड़का सरदार पियावा, हम तो तोहार तू हमार पियावा, हम तो तोहार तू हमार पियावा, मार देते बड़का सरदार पियावा। लगाया बंदूक, निशाना सिखाया, दोनों जवानों को फिर मारा, बाबू गुजर को मारा होत सबेर, विक्रम मल्ला सरदार बना दल का और अपना सरदारी बनी। बाबू साहब
अब यहीं से फूलन देवी डकैत बन जा रही है। गाने का निवड़ा आई का धरनिया लाली खूने से भरी, अरे ज्वाला बनी फूलन देई बांधे सर कफनिया, धरनिया लाली खूने से भरी, ज्वाला बनी फूलन देई बांधे सर कफनिया। तर्ज आई गई यहीं पर भैया, जब जब फूलन देवी डकैत बन गई तर्ज का आई गई, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे तर्ज में बड़े भैया मन हर से बोले कोयल डाली, मन हर से बोले कोयल डाली, लूट पाट कई उठे मार दिया जनवान, अब कई ठकुरन का लूटा खजनवा, अरे ठकुरन का टोली बुझाए जर से, मन हर से मन हर से बोले कोयल डाली, मन हर से मन हर से बोले कोयल डाली, मन हर से। में खबर गई बाबू साहब, लाला श्री राम पता पाए उनके बहनोई को जला दिया, फोंक दिया। तब खबर पाए लाला श्री राम उसके चक्कर में पड़ गए, विक्रम मल्ला के घर चिट्ठी दिया, तार दिया कि जल्दी से वो हाजिर कर दो, नहीं तो पूरे परिवार को सफाया कर देंगे। तब विक्रम मल्ला के चाचा ने खबर दिया का कि आ करके मुलाकात कर जो बेटा, हम लोग चैन से नहीं रहने पा रहे लाला श्री राम की वजह से। तो बाबू साहब कभी लिखे फूलन और विक्रम दोनों अपने घर जा रहे हैं, जरा देखें। तो फूलन विक्रम दोनों साथ गए चाचा जी के पास, फूलन विक्रम दोनों साथ गए चाचा जी के पास, करने बात कोई खास पहुंचे अपने नगरी, खाना दोनों लिया खाई नींद के सागर में डूब जाई, लाला श्री राम गया ही घेरा डाले वही घरी, पापी दुश्मन उतार करे गोलिया कवार, मौत के घाटे दिया उतार फूलन विपत में परी, फूलन रोवे करे बिलाप कहे कि हाय रे माई बाप, ऐसे जीना से अब बात है हमारा मौत सुंदरी, फूलन ने कहा कि यह जिंदगी से मर जाना ठीक बा, मेरे सुहाग के साथ जहां जहां सुहाग मेरा मिलता है खिलवाड़ किया जा रहा है। बार विधाता रो रही है क्या, भाई के ठटरिया तो रोवे फूलन गोरिया हो, काहे कैल हम से जुदैया हो पियावा। इतने में लाला श्री राम जबरदस्ती पकड़ के ले गए बहमई गांव में, बहमई गांव में फूलन को ले जाते हैं तो बैठाई करके एक कमरा में बंद करके बलात्कार 20 ठाकुर एक साथ में करत हैं। तो बंद करके कोठरी में बहमई के ठाकुरे सब
ऐसन सतावै जस निरदैया हो पिया होत भिनसार ओसे पानी भरवावै बाबू कोई नाही लगल सहैया हो पियावा। रात भर बलात्कार करें 20 जने साथे सवेरे इनारा पर पानी हिंच के नहवावें आ ही न बोले पावे बेचारी ओकरे हाथ में फफोला पड़ जाए। एक दिन फूलन ने सोचा कि ये जिंदगी मर जाना ठीक है जीना ठीक नहीं है। दो दो जवान दो दो ठाकुर फूलन को बाहर भीतर ले जाए। एक दिन टट्टी के बहाने दो छत्री गए। फूलन सोचा कि मर जाना ठीक है और जीना ठीक नहीं है। तो बाबूजी का वह बड़े जोर से बिगड़ी भाई अपने लोटा से मारा न पटिया पर। तो आल्हाय गई पंचमार साहब का चल दिया फूलन मार के। अरे छूटी गई चिड़ैया हो बहेलिया के हाथावा से उड़ी गई चिड़ैया जस बहेलिया तड़पाया। वैसे तो फूलन छूटी बहमाई गंगा से बहमाई के लोग लागे बाबू घबरा। रहिया में चली बाबू करत किए लानावा एक जन कले भाई बदला हो चुका पहुंच गई बिहारों में जहाँ अपन टोलिया मान सिंह जवानावा से गायल हो बेटा पतिया बताव सरदारावा से रोई रोई पतिया बताव सरदारावा हतिया कलजिया हमके दे देना बचा मांगई गई गोहार बाबा मुस्तकीम मांगई गई गोहार बाबा मुस्तकीम बोले लागे ललकारा कहा फूलन देवी बाबा हमको मदद चाहिए। कहा बोलो कहा हम अपने अपने साथी का बदला लूंगी। कहा बोलो क्या चाहिए। दाई दा समानावा या दाई दा जवानावा जमाई के ठाकुरन पर जावे ललकारा चढ़ाव जब जवानावा फूलन देवी लिखे बात टोलिया बनाए फूलन देवी लिखे बात टोलिया बना। सीओ यार सोल्डर अशोक चक्रवान है पिस्टन गन हाथे लिए फूलन लटकाए लाउडी स्पीकर से त देत बाजावाजिया लाउडी स्पीकर से त देत बाजावाजिया
जहमाई के लोग सुना का नवा लगाई हो आजुआगिया लगाई बाई में चल के आजुआगिया लगाई बाई जमाई में चल के आजुआगिया लगाई बाई ठाकुरन का दियना आजु दे बाई हम बुझाई हो ठाकुरन का दियना आजु दे बाई हम बुझाई ठाकुरन का दियना आजु दे बाई हम बुझाई सुनावा कब गाती भैली बारह बजे दिनावा सुनावा कब एक पैसा थे धावा बोले फूलन ललकार हो पैसा थे धावा बोले फूलन ललकार पैसा थे धावा बोले फूलन ललकार लूट पाट कहियो घर के मरले खजानावा लूट पाट कहियो घर के मरले खजानावा बार बार फूलन बाबू करत बापू कार हो बार बार फूलन बाबू करत बापू कार बार बार फूलन बाबू करत बापू कार लाला श्री राम के हवाले मेरे कर दो लाला श्री राम के हवाले मेरे कर दो लाला श्री राम के हवाले मेरे कर दो हम घाटे हो उतारी नहीं दे भाई माउत के हम घाटे हो उतार कहने लगी बाबू साहब कि लाला श्री राम को हमारे हवाले कर दो नहीं सबको एक तरफ में मार डालूंगी जतिया जाओ जतिया या लगा काई दी आले जतिया जाओ जतिया या लगा काई दी आले जतिया जाओ जतिया या लगा काई दी आले ठाकुरन का दिए बाका तार लगावाई हो ठाकुरन का दिए बाका तार लगावाई ठाकुरन का दिए बाका तार लगावाई हानी हानी गोलिया चला वैसी नवा पार हानी हानी गोलिया चला वैसी नवा पे हानी हानी गोलिया चला वैसी नवा पे लसिया पलसिया गिरी भाया राराई हो लसिया पलसिया गिरी भाया राराई लसिया पलसिया गिरी भाया राराई चारा चारा कुनावा बाहे हो धरतिया में चारा चारा जमिया समानवा गायल बाथर राय हो जमिया समानवा गायल बाथर राय जमिया समानवा गायल बाथर राय कितनी जाना नवा गाव नवा से आवाली कितनी जाना नवा गाव नवा से आवाली नहीं रे महावर झूठा गावाने कया नहीं रे महावर झूठा गावाने कया रोई रोई पीला रावा से धुरावा के धोवाई रोई रोई लीला रावा से धुरावा के धोवाई रोई रोई लीला रावा से धुरावा के धोवाई रोई रोई लीला रावा से धुरवाया पर धोवाई पियावासा नैया मर गई ले हेरा 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 सब लोग पूरा बहमई गांव को एकदम सुला दिया हाहाकार मच गया चारों तरफ पुलिस दौड़ रही है पीएसी दौड़ रही है फूलन अखबार वाले निकालते हैं कि फूलन फुर्र हो गई अखबार वाले निकालते हैं कि फूलन फुर्र हो गई लेकिन जो जो औरतें विधवा हो गई वो रो रही हैं बाबूजी का आखिरी बेर रोवत कहा
आए। अरे कैसे अपने आचर में लगाई दगिया, भीगी खूने का चुंदरिया बुझाई अगिया। जाते बेरी फूलन देवी धमकी दई के जाई, कोई ठाकुर मल्लाहन के बीच में अगर सताई, फूलन फिर से बने बगिया बुझाई अगिया। अखबार वाले निकारत का है कि फूलन फुर्र हो गई। अखबार की ये मोटी हेडिंग थी कि फूलन फुर्र हो गई, फुर्र हो गई फूलन देवी सका न कोई जानी। खोजत थक गई यूपी पुलिस पर फिर गया मित पानी, फूलन लाए जान कई बजिया बुझाई साक्षी बन गई ले इतिहास। बाबू साहब इस घटना की मजबूरी में घटी घटना, डाकू बनी मजबूरी में बनी, डकैत बनी मजबूरी में बनी, साक्षी बन गई ले इतिहास। कल्पना किया राम कै लाश, धरनिया लाली खूने से भरी, अरे गाँव हरिशंकर अब किया समर्पण रनिया, धरनिया लाली खूने से भर गाँव हरिशंकर अब किया समर्पण रनिया, धरनिया लाली निकला गई जस बर से घराय, समरिया जस बर से घराय, समरिया जस बर से घराय, बिजुली चमकाया गनवा पिया घर नहीं आए ना, बिजुली चमकाया
जावेंगे। चढ़ी चढ़ी झूलाई सब पाला नवा पिया घर नाई आए ना। नदिया नाला सोर मचाए पुरुआ चले बयान, सवरिया पुरुआ चले बयान, सवरिया पुरुआ चले बयान। गावई हरि शंकर तारनवा पिया घर नहीं आए ना। गावई हरि शंकर तारनवा I got